तो चले फिर हम लोग चलते हैं अभी पटना साहिब से घूम चले आए हैं। तो लोग अगला अभी टारगेट है गाय घाट, जो गांधी घाट है या गंगा घाट भी बोल सकते हैं उसको, वहाँ पे चलेंगे। मिलते हैं, ऑटो पकड़ लिए हम लोग, वहाँ चलेंगे। यहाँ पे पटना सिटी का ये मार्केट है। तो आप अगर थोक विक्रेता हैं, थोक में सामान लेना चाहते हैं तो आपको अच्छे रेट पे यहाँ से खरीद सकते हैं। पुराना मार्केट है ये पटना सिटी का, तो बहुत थोक में सामान मिलते हैं यहाँ पे। पटाखा वगैरह देखिए सारे चीज़ अवेलेबल है, तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अभी हम ऑटो से उतर चुके हैं। देखिए हमारी ऑटो वहाँ पे पार्क हुई थी सामने, तो एनआईटी घाट का ये गेट, एनआईटी पटना का जो गेट है मेन रोड है वही है सामने, तो सामने एनआईटी पटना है। तो हम लोग पटना सिटी से ऑटो पकड़े थे, वहाँ से गाय घाट से फिर से हम लोग ऑटो पकड़ के आए थे यहाँ पर। और ये सामने है रोड, तो सामने एनआईटी पटना है, उसके बगल से रोड रास्ता जाती है घाट की ओर। तो लोग चलेंगे, मिलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा है। काफ़ी बार पहले रहते थे तो यहाँ पर घूमे हैं ऑलरेडी, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए तो फिर से हम दिखाते हैं कितना है अच्छा है। तो ये भी टूरिस्ट पैलेस टाइप से है, अच्छा है। पहले आरती होती थी, अभी होती है नहीं मालूम नहीं, तो पहले यहाँ पे आरती होती थी शाम में, तो अभी थोड़ा कोरोना की वजह से सब चीज़ बंद होगा तो उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन तो भी अच्छा है, दिखाते हैं। चलिए तो देखिए छात्रावास, तो देखिए फ्रेंड सामने है एनआईटी पटना, तो ये अच्छा कैंपस है यहाँ पे कॉलेज। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, तो सब ये कॉलेज एनआईटी पटना का ही है। सामने गेट, उसके बगल से रास्ता जाती है, ये ग्राउंड है इनका पटना एनआईटी पटना का बगल में। तो यहाँ पे शायद अभी गाड़ी वगैरह अलाउड नहीं है अंदर जाना, स्टूडेंट वगैरह कम ही मिलेंगे देखने को, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से कॉलेज वगैरह भी बंद ही है, कोई कॉलेज को अलाउ नहीं किया अभी खोलने का। जो भी हो रही है प्रोसेस ऑनलाइन ही हो रहे हैं, एग्ज़ाम से लेकर टीचिंग तक। तो बहुत अच्छा कैंपस है, दिखाते हैं। तो देखिए गेट एटी पटना का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, ये है कैंपस, अंदर इनका है पूरा कैंपस। हम कैंपस तो नहीं जा रहे, हम घाट जाएंगे इसके बगल से होके, और आप यहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो जाएंगे घाट की ओर, तो हम लोग वहाँ चलने वाले हैं। यह है कैंपस का गेट, मेन गेट। तो देखिए ये बगल से गेट, वो जाएंगे इधर से एनआईटी पटना का। तो पेंटिंग है यहाँ पे दीवार पे, मिथिला पेंटिंग है सब। तो मंदिर जय भोलेनाथ, इधर देखिए। देखिए पवन चक्की, हेलो, पहुंच चुके हैं घाट पे, यही है गांधी घाट, गांधी घाट भी बोलते हैं, एनआईटी घाट भी बोल सकते हैं, गांधी घाट भी बोलते हैं। हेलो, पीछे सामने ब्रिज चलेंगे हम लोग, देखिए तो सामने लिखा हुआ है गांधी घाट, सतमे जैसे वगैरह। तो ये सामने ब्रिज, तो ये बन रहा है अभी, अभी ये फ्लाईओवर बन रहा है बगल से, तो ये डायरेक्ट मिलती है इधर जाके पटना सिटी से लेके इधर आपको मिल जाएंगे दीघा तक में। तो कंस्ट्रक्शन चालू है, लगता है 2-3 साल में हो जाएगा प्रोसेस इसका कंप्लीट। चलते हैं हम लोग घाट के नीचे, सारे लोग आए हैं श्रद्धालु वगैरह। देखिए पूरा NDRF की टीम की व्यवस्था, NDRF की टीम है सामने, और यहाँ से आप राइड ले सकते हैं।
रोड का मजा ले सकते हैं। लगता है अभी बंद है, ये भी कंस्ट्रक्शन का चालू है। तो देख रहे हैं सामने लगी हुई है एक शिप, यहाँ से रेस्टोरेंट भी मिलेगा। तो अभी ये भी बंद ही है, भागीरथी बिहार रेस्टोरेंट। तो यहाँ से आप खाना सर्व कर सकते हैं, फूड वगैरह जो भी है अपने अनुसार। और ये पूरा रिवर फ्रंट बनाया गया है घूमने के लिए, तो नया डेवलप है ये सब। देख रहे हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक गाय घाट तक बनाया गया है अभी रिवर फ्रंट सेक्शन यहाँ पे। और ये गंगा नदी, और सामने पीछे आपको दिख रहा है गंगा नदी के पार से, ये है ज्ञानदी सेतु। तो इनका भी रिकंस्ट्रक्शन चालू है। अच्छा व्यू है, आप लोग जरूर आएँ देखने के लिए। रिवर फ्रंट वगैरह है गंगा नदी किनारे, मजे आएंगे। और ये बन जाती है रोड तो और भी आसान हो जाएगा यहाँ पे ग्रेफिटी में। आगे आप शाम में मज़ा ले सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं, अच्छा लगेगा, शांति का माहौल रहता है। बैन कर देना चाहिए। तो देखिए एनडीआरएफ की टीम की तैयारी। तो देखिए ये बोटिंग नाव, इससे भी आप मज़ा ले सकते हैं। तो ये उस पार जाती है सोनपुर, तो इसको सोनपुर ने या सो नदी के गंगा के उस पार है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं भ्रमण करने के लिए। तो देखिए आसमान में पटना एयरपोर्ट पर जाएगी ये। देखिए यहाँ पे रिवर फ्रंट पे गंगा फ्रंट पे पेंटिंग की गई है दीवार पे दूसरी साइड पे। तो आपको इसके अलावा ये है पूरा रिवर फ्रंट गंगा किनारे। तो पानी का लेवल अभी काफ़ी है गंगा में अभी भी, तो बाढ़ का मौसम जस्ट गया ही है, एक दो महीने हुए हैं, तो पानी अभी इतना तक आया है, थोड़ा और नीचे जाएगी। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी यहाँ पे डेवलप हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा दृश्य है। तो आप लोग जरूर आएँ अगर पटना आते हैं तो गांधी घाट आप जरूर घूमें, रिवर फ्रंट का मजा लें, काफ़ी आपको मजे आएंगे। यहाँ पे पूजा पाठ होती है, देखिए मनोकामना हनुमान मंदिर रही सामने आपको, जय हो भी हनुमान जी की। यहाँ आप पूजा वगैरह कर सकते हैं, तो ये काफ़ी दूर तक है, आप घूम सकते हैं। तो कृष्णा घाट आ गए हम लोग अभी, आपको बोर्ड में दिखेगी वहाँ पे कृष्णा घाट। तो देखिए यहाँ पर पूजा वगैरह भी होती है, देख रहे हैं यहाँ पर लोग पूजा वूजा कर रहे हैं। देखिए नदी के किनारे बनाया गया है पूजा पाठ के लिए, यहाँ पे आपको इस टाइप के बैठ सकते हैं, आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, आनंद लीजिए गंगा घाट का। यहाँ से आपको दृश्य भी अच्छा मिलेगा, फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं अच्छे अच्छे, बगल में गंगा नदी, गंगा पार जा सकते हैं। 50 रुपया चार्ज है आने जाने का, अप डाउन का यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी लोग जाते भी हैं, देखने चढ़े हुए हैं, तो ये सब लोग जाएंगे। तो अपने पास अभी टाइम है नहीं, हमें घर भी निकालना है, तो जाएंगे हम घर अभी। तो ये देखिए सीन, आपको घाट से नीचे हम आए हैं ये घाट, और सामने आपको यहाँ पर पटना कॉलेज का गेट भी है जो एग्जिट करती है इधर गंगा नदी में। वो मेन गेट तो उधर है मेन रोड पर सो राजपथ पर, और ये गेट है इधर सामने, तो दिखाते हैं, वो दिख नहीं रहा है यहाँ से, हम चलेंगे ऊपर फिर दिखाएंगे। और इधर से ये पूरा
घाट है, इधर से देखिए आप ये गंगा के उस पार, उनका व्यू आप देख सकते हैं। अभी चलेंगे घर, शाम के साढ़े चार बज चुके हैं, तो हम लोग वहाँ से गांधी घाट से लेकर यहाँ तक कृष्णा घाट तक घूम लिए हैं। ये तो बहुत आगे तक है, बना हुआ है मेन ड्राइव टाइप बना हुआ है आपको गंगा फ्रंट का, तो मज़े ले सकते हैं। आइए कभी पटना आते हैं, जरूर इसका लाभ उठाएं। आपको NIT घाट है, NIT जो है वहाँ से आ सकते हैं, सब बहुत सारा गेट है, आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। देखिए एक बार व्यू आप देख समझ सकते हैं कितना खतरनाक है यहाँ पे। चलेंगे हम लोग अभी, बात करते आगे, घर जाना है अभी, पटना से समस्तीपुर जानी है एक्चुअली, तो वहाँ से रात में होल्ड करेंगे फिर जाएंगे घर। तो बस हमको सामने गांधी सेतु से मिल जाएगी, वहीं से हमको लेना है। थोड़ा आशीर्वाद ले लेते हैं गंगा जी का, लोग काफ़ी दूर से आते हैं स्नान करने के लिए, तो हम भी आएंगे जल का। देखिए जय हो, पूरा जय हो, चलेंगे आप जल्दी जल्दी। तो ये 199.5 मीटर से लॉन्गेस्ट घाट इन पटना, तो पूरा इसमें कवर है, स्क्रीन शॉट लेके पढ़ सकते हैं इसके बारे में, जैसे आप क्रोम पे सॉरी विकिपीडिया से भी पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग वहाँ से अभी आ गए, यह है गांधी सेतु, तो ये नया कंस्ट्रक्शन इस पर हुआ है, इस कंस्ट्रक्शन फुल टूट गई थी, तो अभी ये नीचे जो सीमेंट के था उसको तोड़ के लोहा का ही बना दिया गया पूरा, यहाँ से उस साइड से उस साइड तक, तो ये नॉर्थ बिहार को जोड़ती है ये गांधी सेतु, तो बड़ा पुल है, बहुत बड़ा पुल है, 8 किलोमीटर के आसपास है। तो ये रिवर फ्रंट इधर सामने से हम लोग आए हैं पैदल 4 किलोमीटर के आसपास, तो ये देखिए काफ़ी गाड़ी चल रही है, हम भी वही गाड़ी पकड़ेंगे आगे से चल के। चलिए लेट हो चुका है, 5:30 बज चुके हैं, जल्दी है थोड़ा। तो फ्रेंड देखिए ये मार्केट है पूरा, गाय घाट मार्केट है यहाँ पे, तो पुल के ऊपर से हम लोग चलेंगे, तो ये पूरा मार्केट है यहाँ पे खतरनाक वाला, और यहाँ से आप चले जा सकते हैं महेंद्र होते हुए मुस्लिमपुर हाट होते हुए पटना अंदर गांधी मैदान तक। देखते हैं अभी हम बस बैठ चुके हैं, चलेंगे अभी घर की ओर, 5:30 बज चुके हैं, अभी यहाँ से 3 घंटा का लगेगा रास्ता है, तो गांधी सेतु पे हैं, गाय घाट से बस पकड़े हैं, तो यहाँ से भी बस मिलती है समस्तीपुर के लिए, कहीं से भी मिलती है, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, हर जगह की बस रुकती है यहाँ पे। चलिए मिलते हैं समस्तीपुर में, फिर आपको दूर हो गया पटना का पूरा, जितना हो सका हमने कवर किया।